गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस थर्ड क्लास, यू ओपन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्पार्कल, पेज नंबर लेसन नंबर 6, ऑन पेज नंबर 34, पेज नंबर 34 पे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट दिस टाइम वर्ड्स वंडर। वर्ड्स वंडर हम एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन आंसर तक हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सो एट दिस टाइम यू टेक योर पेंसिल एंड ओपन योर बुक एंड फिल इन योर बुक। फर्स्ट दिया है वर्ड्स वंडर में राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। राइट मीन्स लिखना, मीनिंगफुल मीन्स जिसका सही अर्थ निकलता है, सेंटेंसेस वाक्यों में यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स का सेंटेंस में यूज करके ना और हमें नया सेंटेंस प्रिपेयर करना है। फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज, इसका हम यूज करेंगे प्लीज, गिव मी glass of water, please give me a glass of water, कृपया मुझे एक पानी का ग्लास दीजिए। थैंक यू, आपको धन्यवाद। किसी ने किसी का कोई कार्य किया, आपको उसके उसे क्या बोलना पड़ेगा? थैंक यू बोलना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस में थैंक यू सर, यू हैव सॉल्व माय प्रॉब्लम, यू हैव सॉल्व श्रीमान जी, आपको धन्यवाद, आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। सॉरी का मीन्स कोई भी गलती करते हैं तब हम उसका यूज करते हैं। सॉरी आई हैव रिग्रेट, सॉरी कहता है आई हैव रिग्रेट, मुझे किए पर पछतावा है इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी का मीन्स मुझे माफ कीजिए। फॉर एक्सक्यूज मी आई हैव मेड मिस्टेक, एक्सक्यूज मी आई हैव मेड मिस्टेक, मुझे माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई, जो गलती मैंने की उसके लिए मुझे माफ कीजिए। पार्डन मी, मुझे क्षमा कीजिए, पार्डन मी। सॉरी इस सेंटेंस का मैं आपको दूसरा नोटेड करवा देती हूं। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिए, आई डिस्टर्ब यू, डिस्टर्ब यू, मैंने आपको डिस्टर्ब किया था उसके लिए एक्सक्यूज मी, ठीक, पार्डन मी, आई हैव मेड मिस्टेक, मैंने गलती की इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 35 पे, यहाँ हमें इन वर्ड्स का यूज करके ना, किसका, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन का यूज करके सेंटेंस प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आती है स्पेलिंग्स, रीअरेंज द जंबल्ड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज गिवन, कहता है
कि रीअरेंजमेंट्स उन्हें व्यवस्थित करना है जंबल लेटर्स को टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स बना के हमें जंबल लेटर को मीनिंगफुल बनाना है जो कि जंबल लेटर्स दिए गए हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज गिवन, फर्स्ट लेटर दिया गया है हमें प्रिपेयर करने के लिए। आर यू बी एच एस, इसका आपको करना है, आप नोट कीजिए बी आर यू एस एच। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवा देती हूँ फर्स्ट वाला स्पेलिंग्स में। इसमें फर्स्ट है ब्रश, बी आर यू एस एच। नेक्स्ट स्पेलिंग इसमें दी है पी आर डब्ल्यू ए ई, इसका मीन्स होगा वाटर। सेकंड क्या होगी, वाटर, डब्ल्यू ए पी ई आर। एंड थर्ड देखिए आर टी आई एस एच, एस एच आई आर टी शर्ट। थर्ड क्या होगी, एस एच आई आर टी शर्ट। एंड फोर्थ में देखिएगा ओ ई एस एच एस, शूज, एस एच ओ ई एस शूज। एंड फिफ्थ, फिफ्थ में होगा ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। एंड सिक्स्थ में होगा बुक, सिक्स्थ बी डबल ओ के। नेक्स्ट देखिए स्पीक ए वाइल में, लिसन ए वाइल कम्युनिकेशन स्किल। हु वाज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन थे। फिर दिया है ही वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ग्रेट मीन्स महान, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता और फाइटर मीन्स सेनानी। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे वे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी। सेकंड है व्हाट इज हिज फुल नेम, उनका पूरा नाम क्या है। His full name is मोहनदास करमचंद गांधी, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। Why he organized दांडी मार्च, उन्होंने दांडी मार्च दांडी यात्रा का आयोजन क्यों किया, रीजन पूछा है। It was to break and opposite unjust salt law, कानून, नमक कानून तोड़ने के लिए उसके विरोध में उन्होंने दांडी मार्च को ऑर्गेनाइज किया था। ये कन्वर्सेशन थी हमारी, अब हम आते हैं नीचे। मेक सेंटेंसेस यूजिंग आईएनजी, फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एज गिवन इन एग्जांपल। एग्जांपल जो दिया गया है इसमें बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड दी गई हैं, इनका यूज करके हमें सेंटेंसेस प्रिपेयर करना है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है यू आर कमिंग फ्रॉम मार्केट, आप बाजार से आ रहे हैं। इसमें हम एग्जांपल दिया है, ये यहाँ जो वर्ब दी हुई है इनका यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है। जैसे फर्स्ट वर्ब है गो, फर्स्ट वर्ब क्या दी हुई है, गो। सेकंड वर्ब है गो का यूज करके यू आर गोइंग टू मुंबई। You are going to Mumbai. आप मुंबई जा रहे हैं। Next है sing. She is singing a sweet song. She is singing a sweet song. वह एक बहुत मधुर संगीत गा रही है। डू, यू आर डूइंग होमवर्क, यू आर डूइंग होमवर्क।
बच्ची खाना खा रही है. जंप. चिल्ड्रन आर जंपिंग. चिल्ड्रन आर जंपिंग. बच्चे उछल रहे हैं. ड्रिंक. We are drinking milk. हम दूध पी रहे हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो वर्ब दी हुई है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये वर्ब है हमारे गो, सिंग, डू, ईट, जंप, ड्रिंक. इन वर्ब का यूज करके और हमें सेंटेंस प्रिपेयर करने हैं जो कि हमने ब्लैकबोर्ड पे आपको करवाए हैं. अब आप देखिए इनका हिंदी अर्थ समझिए. यहाँ को वर्ब दी हुई है, आई एन जी का यूज करके हमें सेंटेंस बनाना है. वी आर गोइंग टू मुंबई. हम मुंबई जा रहे हैं. सेकंड है, सी इज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग. वह एक मधुर संगीत गा रही है. यू आर डूइंग होमवर्क. आप गृह कार्य कर रहे हैं. माई ग्रैंडमदर इज ईटिंग फूड. मेरी दादी जी भोजन खा रही है. चिल्ड्रन आर जंपिंग. बच्चे जंपिंग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं. वी आर ड्रिंकिंग मिल्क. हम दूध पी रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम आई हैव स्टॉप माई लेसन बिकॉज our lesson and lessons exercise have been completed. So you note it, your home assignment. आपको एक्सरसाइज करनी है और इन्हें लर्न भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, see you next day.